हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स टुडे थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द रीडिंग व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस यस इट इज ट्रू सम समाइम्स स्टूडेंट्स कुछ रीडिंग्स ऐसे होती हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी होती हैं वो रीडिंग के जो आंसर्स होते हैं हमें क्वेश्चन की डिमांड को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है और हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो पेसेज में दी है उसे नहीं लिखना है हमें उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के अपने आंसर को लिखना है तो आज का ये जो रीडिंग वीडियो हम करने जा रहे हैं ये इसी पे बेस्ड है आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी कि इस तरह की ट्रिकी रीडिंग्स भी आ सकती हैं लेट स्टार्ट विद द रीडिंग रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यू नो दिस वेरी वेल वी फॉलो द टेक्निक टेक्निक्विक रिविजन आर स्टैंड रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड द डिमांड एंड अंडरलाइन द कीवर पी स्टैंड लेट स्टार्ट विद द रीडिंग

आपको नो मोर देन थ्री वर्ड आंसर थ्री वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर आंसर थ्री वर्ड में लिखना है इट कैन बी वन वर्ड इट कैन बी टू वर्ड और थ्री वर्ड भी हो सकता है डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर तो जो हमारा फ्लोचर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा कि हायर इनकम है हायर इनकम होने से इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट्स किसमें इन लिविंग लिविंग के क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं तो हमें यहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करना है और इस चीज़ के इंप्रूवमेंट्स आने से किसी चीज़ के लेवल में डिक्रीज हुआ है वो क्या चीज़ है जिसका लेवल डिक्रीज हो गया है और उस चीज़ के डिक्रीज होने से वर्क प्लेस पे क्या चीज़ इंक्रीज हुई है हमें यहाँ पे उसको हाईलाइट करना है देन क्वेश्चन फोर टू एट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम रीडिंग पैसेज वन यूज नो मोर देन थ्री वर्ड्स और अ नंबर फॉर ईच आंसर राइट योर आंसर इन बॉक्स इज फोर टू एट ऑन योर आंसर शीट हाउ सोर्स विद नो अस हाउ सोर्स विद नो अस जिनके पास कोई असेस नहीं था मेडिकल फैसिलिटीज का वो कितने थे तो यहाँ पे यही होगा कि कुछ रेशियो डालना होगा ठीक है या कुछ नंबर हो सकता है या कुछ प्लेस हो सकता है हमें देखने कि कितने हाउस होल्ड थे जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी डेथ्स विच वर नॉट प्रिवेंटेबल प्रिवेंटेबल मतलब जिनको क्योर किया जा सकता है नॉट प्रिवेंटेबल जिनको क्योर नहीं किया जा सकता

तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चिल्ड्रन जो क्या थे क्या मतलब यहाँ पे उनके एडजेक्टिव आएगा तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो 25 परसेंट थे M F S C लोन फॉर यूज़ इन 2002 जो M F S C लोन यूज़ किया गया था 2002 में वो कितना था या वो कहाँ यूज़ हुआ था किस पर्पस के लिए हुआ था ये हम पैसेज से ढूंढ लेंगे ठीक है लेकिन अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं यहाँ पे अगर मैं देख रही हूं तो इस तरफ जो मुझे दिखाई दे रही है वो फिगर्स है इट रेशियो के टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मुझे हिंट मिल सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो फोर फिफ्स सेवन क्वेश्चन का आंसर आएगा वो परसेंटेज के टर्म में आएगा और जो टेबल के इस तरफ कॉलम में डेटा मेरे को फिल करना है वो टोटली सब्जेक्टिव रहेगा द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द डैश ग्रोथ दो ग्रोथ्स हैं, एक ग्रोथ का नाम दिया हुआ है दूसरी ग्रोथ का हमें नाम ढूंढना है उनके बीच में कितने का डिफरेंस निकला है इतने का तो ये जो डिफरेंस है किन दो ग्रोथ्स का है उसको हमें हाईलाइट करना है

इज सिंपथैटिक जो पोअर कंट्रीज या उसको सिंपथी थी पोर कंट्रीज के लिए लेट्स विद द रीडिंग एंड यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है इसे रीड करने का रीजन एक ये था स्टूडेंट्स की कई बार हमारे जो क्वेश्चन हैं वो जंबल वे में भी हमें उनकी जो लोकेशन है वो मिल जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे सिक्वेंशली फाउंड हो तो इसलिए ये रीजन है कि हम आर यू पी टेक्निक को फॉलो करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पैसेज

स देर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव तो क्या चीज इंप्रूव होने की बात हुई है लिविंग के बात हुई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव सो माई फर्स्ट आंसर इज स्टैंडर्ड तो यहां से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड्स वो सॉल्व हो चुका है

ए एस ई अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसे बोल के भी स्पेलिंग लिख सकते हैं हम रिस्क नहीं लेंगे अपने स्पेलिंग्स को लेके एग्जाम में दिस दिस इज एंड प्रोडक्टिविटी एट वर्क तो वर्क में क्या चीज इंप्रूव हो रही है प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होना इंप्रूव होना किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी तो यहां से क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हो गया है इट्स पी आर ओ डी टी आई वी आई टी वाई इट्स प्रोडक्टिविटी तो थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया है हमारा यहाँ से कर लिया था डिमांड अंडरस्टैंड हो गई थी तो so, कितनी जल्दी मेरे तीन क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं विदिंक ऑफ एन आई वी कैन से आई है थ्री क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट प्लीज आपने भी ऐसे कॉन्शियस होकर रीडिंग करना है अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द लिंक बिटवीन इकोनमिक प्रोडक्टिविटी एंड द पुअर हेल्थ इज युगांडा तो क्लियर लिंक बताया गया है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के बीच में और पुअर हेल्थ के बीच में युगांडा में विच इज सिचुएटेड इन द ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका रिजर्व सर्विस द पॉपुलेशन इज फोर्स टू लिव ऑन लेस देन डॉलर वन पर डे तो यहां पे एक क्लियर लिंक क्रिएट किया गया किसके बीच में क्रिएट किया गया इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और

बी यहाँ से मैं श्योर कि मेरा आंसर जो बनता है वो बी बनता है और कोई ऑप्शन नहीं जाएगा इसमें तो डियर स्टूडेंट्स आर यू पी का अनदर बेनिफिट देखिए फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन के बाद जो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो नाइन क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो इसलिए आपने भी अलर्ट रहना है और इस स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करना है अपने रीडिंग टेस्ट को करते टाइम नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं नेक्स्ट रीड करते हुए सिर्फ फोर्टी नाइन परसेंट हाउस होल्ड थे इन युगांडा में जो हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर युगांडा में फोर्टी नाइन परसेंट लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज है फोर्टी नाइन परसेंट परसेंट कितना होता है 100. अगर 100 में से मैं फोर्टी नाइन को सब्जेक्ट करती हूँ आई विल गेट फिफ्टी वन परसेंट इट मीन फोर्टी नाइन परसेंट लोगों के पास ओनली सिर्फ इतने लोगों के पास फैसिलिटीज थी तो कितने लोग थे जिनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी इट मेन्स द आंसर इज फिफ्टी वन परसेंट

year lost as a result of premature death were due to entirely preventable diseases perinatal and maternal conditions accounted for 20% malaria for 15.4% acute lower respiratory tract infections 10.5% aids 9.1 diarrhea this एंड दिस अगर इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है कि जो प्रिवेंटेबल डिसीज हैं वो कितने हैं हमारे पास सेवेंटी फाइव परसेंट तो कितने डेथ्स हुई हैं जो नॉन प्रिवेंटेबल हैं प्रिवेंटेबल डेथ्स की रेशियो हमारे पास गिवन थी यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट अगर मैं बात करूँ हंड्रेड की परसेंटेज है और उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट जो डेथ्स हैं वो क्या हैं प्रिवेंटेबल है तो नॉन प्रिवेंटेबल डेथ्स की रेशियो कितनी होगी ट्वेंटी फिफ्थ तो आपने यहाँ से देखा है स्टूडेंट्स के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड हुए हैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं गिवन थे हमें यहाँ पे। इन एडिशन 38% अंडर फाइव पांच साल से कम इयर्स ओल्ड आर स्टंटेड, 25% आर अंडरवेट जो 25% बच्चे थे पांच साल से कम उम्र के वो क्या थे अंडरवेट थे तो यहाँ पे पच्चीस परसेंट दिए हुए चिल्ड्रन हु जो क्या थे? लेस देन 5 तो नहीं लिखेंगे वो क्या आते जो अंडर वे थे ठीक है उनका क्या था रेशियो ट्वेंटी फाइव परसेंट था तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे अंडर वे देखिये अभी इसको भी थोड़ा सा मोल्ड करेंगे हम यहाँ पे एग्जैक्ट अंडर वे आंसर नहीं लिख सकते अंडर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी लेस देन गिवन है तो सिर्फ आंसर जो रहेगा यहाँ पे वे

कंट्रीज इन द लॉन्ग टर्म मैटर ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है एक रिपोर्ट बनाई है हेल्थ के वर्ल्ड वाइड ने जिसमें क्लियर और स्ट्रॉन्ग केस बताए हैं कि जो डिसीज है वो फंडामेंटल है और उनके डिजास्टर्स इम्पैक्ट हैं ठीक है इकोनॉमी के ऊपर हैं और ये लॉन्ग रन रहेंगे और ये सारे कब हैं ग्लोबल वर्ल्ड वाइड के बारे में बात हो रही है रिपोर्ट ने यह भी कंक्लूड किया है कि जो फाइंडिंग्स है वो इंक्रीज कर रही है हेल्थ को फ्रॉम एफ्लुएंट एफ्लुएंट क्या होता है रिच क्लास से पुअर कंट्रीज में लाइक like, वाइटल

डेथ्स जो हो रही हैं चाइल्ड बर्थ में हो रही हैं और एड्स की वजह से हो रही है मेडिकल केयर सेंटर कहाँ पे दी जानी चाहिए लोकल लेवल क्लिनिक पे देने की बात हो रही है मतलब ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं रादर देन प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे क्वेश्चन टेंथ की याद आ रही है अपने कि हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड रिकमेंड्स तो पूरा पैराग्राफ इसके लिए बात कर रहा था अगर हम देखें स्पेंडिंग मोर मनी ऑन हेल्थ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल ये वर्ल्ड वाइड के बारे में बात हो रही थी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही थी तो यहाँ पे ये चीज बात हो रही है पे इस लाइन में अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी बात हो रही है इस ऑप्शन के बारे में भी बात की गई है इस ऑप्शन के बारे में भी बात की गई है मेकिंग हेल्थ केयर असेसिबल एट लोकल लेवल येस इट इज गिवन इन लाइन सो ऑल द्री ऑप्शन देव फॉर आई कैन से आंसर इज डी इसलिए हम इसको मार्क करेंगे डी ऑल ऑफ द व तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद नाइन सॉल्व हुआ फिर फोर्थ फिफ्थ सॉल्व हुआ फिर हुआ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया तो सच में फ्रूटफुल है प्लीज यूज इट नेक्स्ट टू दिस एंड युगांडन गवर्नमेंट है कॉम्प्रीहेंसिव पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी विच हैज्रेस दूफ अस टू अप्रोप्रिएट एंड आर हेल्थ केयर बायजिंग दिंग पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इकंट्री This strategy has resulted in the incidence of poverty in Uganda falling from 56% in 1992 to 35% in 2002. The multinational finance corporation, which is known as MFC, has praised the East African country for the progress it has made toward reducing poverty and has just announced its approval of a staggered 20.

ट्वेंटी डॉलर को अगर हम थ्री के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा आंसर क्या आएगा सेवन मिलियन हमारे पास आता है डॉलर मिलियन हमारे पास आंसर निकलेगा तो ट्वेंटी वन है उसके थ्री इक्वल पार्ट्स करने हैं और ये शुरू कब हुआ काम एफ सी लोन का टू थाउजेंड टू में तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअल वैल्यू कितनी थी इट्स सेवन मिलियन तो हमारा आंसर ये रहेगा हमने ट्वेंटी वन नहीं लिखना है आई होप आपको क्लियर हो गया है इनिशियल ईयर टू थाउजेंड टू है एक्चुअल वैल्यू कितनी निकली अब तक की तीन साल की वैल्यू कितनी आ गई है ट्वेंटी तो पहले साल में वैल्यू कितनी थी सात मिलियन तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद की बात की गई थी ट्वेंटी 7 वन 7 7 तो ऐसे बनाया है तो इसका मतलब बिगनिंग ईयर में जो वैल्यू थी एक्चुअल टू थाउजेंड जो शुरू हुआ था तो इतनी वैल्यू रही है कन्फ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन भी सॉल्व हो गया है <coughs> The ins this incentive means that Uganda has become the first country this year to benefit from a poverty reduction support credit. This is a new approach to World Bank lending available exclusively, exclusively means specifically only liye tha? low income countries ke liye tha with strong policy and institutional reform programs which allow poverty reduction strategies to be carried out. तो यहां से एक बार हम देखते हैं तो द पॉवर्टी रिडक्शन स्पोर्ट क्रेडिट फर्स्ट युगांडा को ऑफर किया है नो इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक नो ओनली हेल्प्स टू सर्टन लो येस बिकॉज हेयर इट इज मैंशन एक्सक्लूसिवली लो इनकम कंट्रीज बेनिफिट हम कह सकते हैं कि इस को हुआ था सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले पहले लेकिन इसको कंट्रीज कि के, के लिए थी और लो इनकम कंट्रीज के लिए ही ये सर्टन हेल्प करने वाला था देअर फोर द आंसर इज सी तो इलेवन क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया अभी तक हमें एट नहीं मिला सरप्राइजिंग फैक्ट है वैसे. However, Although the Ugandan economy has performed relatively well during 2001 and 2 in achieving 5.5 growth, Uganda would still continue to rely. Rely depend heavily on donor assistance. Assistance means help kill. United Nations Human Development Report for 2002 ranks Ugandan as 150th out of 173 countries, as it reports is far behind in its attempt to gain the anticipated growth. इंक्रीज, स्पीड मतलब अनुमान लगाया गया है, जिसको किया गया है, तो यहां पे 10 बात की गई है, जिसको किया तो पे डिफरेंस तो कितने का निकला है 5 .5 का अगर हम हाँ ना कि अगर हम ये ऐसे करते हैं अगर मैं कह दूं उन्होंने कितनी ग्रोथ अचीव की थी देखिए यहाँ पे क्लियर फाइव पॉइंट फाइव एंटिसिपेट कितनी हुई थी टेन परसेंट तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया है कि एंटीसिपेट ग्रोथ मेरे पास टेन है और एक्चुअल ग्रोथ मेरे पास 5 .5 है तो अगर मैं फोर पॉइंट फाइव आता है इसलिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करती हूँ तो जो इसका आंसर बनता है वो एंटिसिपेट ग्रोथ बनता है कि कौन सी दो ग्रोथ का ये डिफरेंस था ठीक है नेक्स्ट करते हैं हम देयर फॉर द वर्ल्ड एच आई वी

देयरफॉर जो वर्ल्ड है उसमें एच आई वी एड्स जो था वो प्रीलिमिनरी स्टेजेस थी एड्स की ठीक है एड्स जो था वो फुली डेवलप फॉर्म होता है एक डिसीज का Fully developed form है तो मतलब तब तक तक उसको का नाम नहीं नहीं देंगे जब तक वो होगा. दिखाया कितने लोगों में गया है कि 2.4 में लेकिन कितने मतलब उतना नहीं करा था जितना कि दिखाया गया था. इसलिए अगर इसका आंसर हम देखते हैं तो इसका आंसर जो बनता है ए क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है पहली लाइन में कि को ही हम एड्स बोलेंगे तो फुली डिवेल्प तो सिर्फ जीरो

हाउ जो इंट्रोडक्शन थी युगांडा की एड्स कमीशन की देर हैज बीन मेजर डीज इन द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज की उसके जो इंसिडेंस में डिक्रीज आया है डिसीज की द स्ट्रगल एक स्ट्रगल हुई है कि एडिकुएट और अप्रोप्रिएट लेवल होने चाहिए हेल्थ केयर के अंडर डेवलप कंट्रीज में जो कंटिन्यू रिप्रेजेंट करेंगे एक मेजर चैलेंज को ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हेल्थ केयर है विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट लगातार करते रहेंगे ठीक है ये चीज श्योरिटी दे रही है ठीक है हाउएवर की इन्वॉल्वमेंट है एफ्लुएंट कंट्रीज क्या कर रही है ग्लोबल फंड को सेटअप करने की बात करिए उम्मीद प्रेजेंट है कि देयर इज एन होप देयर इज एन एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर विल कंटिन्यू टू ग्रोथ अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है विल अल्टीमेटली इंप्रूव यस क्यों क्योंकि वो कह रहे हैं होप प्रेजेंट है ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं ये चीज कंटिन्यू करेगी विल अल्टीमेटली इंप्रूव तो यहां से आंसर जो बनता है, ए बनता है है ए ठीक है जो राइटर है इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर इन जनरल तो ये आंसर नहीं होगा आप ऑप्टिमिज्म से नहीं बोलेंगे वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं था उसने कहा तो ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव अप्रोच दी है ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे वो प्रेजेंट कह रहा है कि एट प्रेजेंट उससे उम्मीद है कि ऑप्टिमिस्टिकली ये चीज हो जाएगी वो खुद से ऑप्टिमिस्टिक नहीं है उसने कहा है कि एक उम्मीद प्रेजेंट है तो इसलिए इसका आंसर ए बनता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू